खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर थाने से है, जहां सैदपुर पुलिस तथा स्वाट टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, पूरे जनपद में लूट तथा चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान में सैदपुर पुलिस तथा स्क्वाड टीम के द्वारा लूट की घटना में शामिल 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लूट की घटना में शामिल 5 अपराधी भीतरी अंडरपास से गिरफ्तार किए गए, जिनको गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया। अभी कल रात में हमारी स्वाट और सर्वेलेंस टीम तथा सैदपुर थाने की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा विगत एक माह में जो जनपद गाजीपुर में लूट की घटनाएं हुई थी उनका पर्दाफाश हुआ है तथा उन घटनाओं से संबंधित माल की बरामदगी हुई है। एक घटना थाना कासमाबाद क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल और मोबाइल 2 व्यक्तियों से लूटा गया था, उसका मोबाइल बरामद हुआ है। इस गैंग के 2 लोग अभी भागे हुए हैं, मोटरसाइकिल उन्हीं के पास है, वो वांछित है। इसी के साथ एक घटना सैदपुर में हुई थी, उस घटना में जो संपत्ति गई थी उसकी मोटरसाइकिल और लैपटॉप बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ भावरकोल में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें इसी ग्रोह का एक सदस्य पकड़ा गया था, जिससे बरामदगी हुई थी। आज उसके अन्य सदस्य पकड़ा गया है, उससे भी बरामदगी कैश की हुई है। इस तरह से ये लोग विगत काफ़ी दिन से जनपद गाजीपुर में सक्रिय थे और रात में अलग अलग मेंबर, क्योंकि 7 लोगों का ये कुल गैंग है और अपना घटना 2-2, 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे ये निकलते थे, 2 मोटरसाइकिल पे, 1 मोटरसाइकिल पे, और सुनसान स्थानों पे लूटपाट की घटना लोगों के साथ करते थे। सर, इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी वांछित हैं और आज की बरामदगी में इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और कैश नगद रुपए इनसे बरामद हुए हैं और बाकी 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़ा का गैंग या किस तरह का गैंग है ये? ज़्यादातर इसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों के गाजीपुर के रहने वाले लड़के हैं, पूर्व में भी इनमें से कुछ लोग जेल में गए हैं विभिन्न लूटपाट की घटनाओं में, और आने के बाद भी फिर इन्होंने अपना वही पुराना क्रम शुरू रखा है। फिर इन्हें कठोर धाराओं में भेजा जा रहा है और भी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी।